So that's our ship. यहाँ से पूरा बलूचिस्तान, यू कैन सी द एंटायर बलूचिस्तान फ्रॉम हियर। नमस्कार दोस्तों, मनोज नाथ हियर, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारा दूसरा दिन है पाकिस्तान में। सो कल हम लोग बीच किए थे जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। और अभी ये देखिए इन्होंने एंकर, ये दो एंकर चेन्स है, शिप को सिक्योर कर दिया है। ये एक ये वाली, एक ये वाली जो आधी पानी के अंदर है, और एक ये पूरी जो टाइट है। सो रात को 10 बजे भी इन्होंने शिप को खींचने की कोशिश की थी, और उसी के कारण ये जो राइट हैंड साइड वाली चेन है वो टूट गई थोड़ी। चैन नहीं टूटी, मतलब कि जो विंच की केबल्स थी उसे खींच रही थी वो टूट गई। तो आज फिर रात को वो करेंगे, क्योंकि हाई टाइड, ये जब पूरा हाई टाइड होता है, पानी पूरा उफान पे होता है, उस समय खींचते हैं तो थोड़ा जहाज़ को फ्लोट मिलता है, और स्वेल के कारण थोड़ा ऐसे जैसे सांप जाता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके निकालते हैं। और इन द मीन टाइम बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो मैं आपको दूसरे कैमरे से लुक देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सनराइज हो रहा है, जैसे मैंने बताया था वहाँ ईस्ट साइड है, तो ईस्ट उधर है, वेस्ट पीछे हो गया, नॉर्थ एंड साउथ पीछे। क्या ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही है, क्या ब्यूटीफुल व्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग व्यू है, प्राइसलेस व्यू है ये। तो दोस्तों ये है किस तरह से एक शिप कटता है। ये है स्क्रैप यार्ड, हर जगह दुनिया में आप कहीं भी जाओगे स्क्रैप यार्ड ऐसा ही है। बट जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में या तुर्की में आप जाओगे तो वहाँ पे ये जो बीच है ये बीच नहीं होता है। यहाँ उन्होंने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया, और वहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक एक चीज़ को रिसाइकिल करते हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ होंगी, जैसे वुडन है, जैसे हमारे डेक पे वुडन फ्लोर है, इसको निकाल के वुड को अलग बेचा जाएगा, और मेटल को अलग बेचा जाएगा, कुछ जो अंदर सामान है उसको अलग बेचा जाएगा। बट तुर्की में क्या होता है कि वो सब कुछ काट देते, सबका चूरा बना के देन दे जस्ट टेक केयर ऑफ द मेटल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिमाग है एशियंस में, तो वो लोग हर चीज़ को यूज़ करते हैं, हर चीज़ को रिसाइकिल करते हैं। जो चीज़ यूज़ होने वाली होती है उसे यूज़ करते हैं, और जो चीज़ नहीं यूज़ होने वाली होती है उसे फिर क्रश करके देन कबाड़ में भेज देते हैं। सो ये यहाँ का, और अगर कोई शिप यहाँ सेल्ड होता है तो पर टन मेटल 650-700 डॉलर तक भी जाता है। अगर तुर्की में होता है तो 250-300, मैक्सिमम 300 भी बहुत अगर लकी हो तब मिलता है आपको। सो यहाँ का लोग प्रेफर इसलिए करते हैं एडवांटेज। बट जो भी बड़ी कंट्रीज हैं वो, मतलब वो कैसे करेंगे, एशियंस हमसे आगे निकल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वी डोंट हैव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आवर वर्कर्स आर नॉट यूजिंग अ सेफ्टी लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो बिकॉज यहाँ पे इंडिया में लार्जेस्ट स्क्रैप यार्ड है अलांग में, ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, देन चिटागांव ऑल्सो इज क्वाइट फेमस। सो उन लोगों को हजम नहीं होता है यूरोपियंस को कि ये एशियंस हमसे आगे निकल रहे किसी चीज़ में, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, करते हैं वो लोग। बट बाकी ये है मेन, ऐसे धीरे धीरे जहाज़, जैसे ये जहाज़ आप देख रहे हो, ये फॉरवर्ड पार्ट इसका कट गया है, इसका डेक के ऊपर से सारी पाइपें निकाल दी हैं। तो ये बेस, मतलब बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी जहाज़ को अगर काटा जाता है तो। ये किसी जहाज़ का प्रोपेलर है। दोस्तों अभी मैं डेक पे आया हूँ, हमारे साथ कुछ मंत्री लोग आए हैं विजिटर्स, उनको शिप दिखाने के लिए, और इस प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं जैसे मैंने आपको बताया। कितनी देर में? अभी दोस्तों मैं उनके साथ आया हूँ, कस्टम्स के साथ। पहले चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ के,
उनको घुमा रहा था, अभी कस्टम के साथ हैं एंड एट्रियम में बैठे हुए हैं। थैंक यू यार, तो कह के बोट लगवा दे उधर तक, जरा सिकंदर भाई भी लेकर आ रहे हैं, वो 56 से खाना हम नहीं बनवाया है वहाँ पे, वो बिरयानी है और चिकन चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जाने से पहले फनल पे एक बार जरूर जाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है, अभी हम फनल पे जा रहे हैं, मैं तीजो कैप्टन साहब और सेफ्टी ऑफिसर। दोस्तों अभी आधे रास्ते पे पहुंचे, हम थक गए, मैं और तीजो कैप्टन साहब नीचे जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैंने मास्क खोलना, फाइनली मैंने तीजो कैप्टन साहब ने विजिट कर ही लिया इधर। जस्ट पुल आउट फ्रॉम दैट वन, या ओके। यहां से पूरा बलूचिस्तान, यू कैन सी द एंटायर बलूचिस्तान फ्रॉम हियर। नहीं यार, आई एम जस्ट जोकिंग मैन। फ्रॉम फनल डेक, टनल टू फनल विजिट कर लिया आज हर चीज। फ्रॉम टॉप ऑफ द फनल दोस्तों वहाँ टॉप से आए हैं अभी, या दोस्तों वहाँ से आए हैं हम, टॉप ऊपर बैठे थे जो आपने वीडियो देखा, और हम लोग ऊपर जाने लगे तो कैप्टन साहब ने ऑब्जर्व किया, लाइक महसूस किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ऊपर, सो हम इसीलिए वो फिल्टर मास्क लेके गए और ऊपर टॉप में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा, ये एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग अगर किसी ने पेंट करना होता है तो वहाँ जाके भी पेंट करते हैं, ऊपर जो आपने जगह देखी, फुल सेफ्टी के साथ बट स्टिल करते हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलूंगे, अभी नहा धो के सोते हैं, कल डिफरेंट ब्लॉग में मिलते हैं।